नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर संसद में हंगामा। धर्म परिवर्तन के मामले में आज संसद में काफी हंगामा हुआ। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, इस पर राज्य और केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मायावती ने कहा कि अन्य धर्म को मानने वालों पर ज्यादती नहीं होनी चाहिए, यह राज्य सरकार का फर्ज है कि वह उनकी रक्षा करे। आमिर खान की पीके देखना चाहते हैं रोजर फेडरर। मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर आमिर खान की फिल्म पीके देखना चाहते हैं। फेडरर ने आमिर की फिल्म का पहला पोस्टर देखने के बाद कहा कि वे इस फिल्म को जरूर देखना चाहेंगे। प्रीमियर टेनिस लीग के तहत भारत आए फेडरर ने आमिर के साथ एक दोस्ताना टेनिस मैच भी खेला। जब फेडरर आमिर से मिले तो उन्होंने पीके के पोस्टर के बारे में आमिर से बात की। फेडरर इस पोस्टर के पीछे की कहानी जानने के लिए बेहद उत्सुक रहे। उन्होंने कहा कि वे इस फिल्म को जरूर देखेंगे। हटेगी धारा 309, खुदकुशी अब अपराध नहीं। अब खुदकुशी की कोशिश करना अपराध नहीं रह जाएगा। सरकार ने इससे संबंधित धारा 309 को हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस फैसले से संबंधित जानकारी सरकार ने बुधवार को सदन में पेश की। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि विधि आयोग के अनुसार इस कानून की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि IPC की धारा 309 को हटा दिया जाएगा।